दोस्तों इस वीडियो में जो लोग थंबनेल और टाइटल देख के क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। थंबनेल टाइटल देख के वीडियो को जज मत करना, गाली मत देना कमेंट में, आप लोग को रियलिटी पता चलेगा बागेश्वर धाम की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्या बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकई कोई चमत्कार करते हैं या फिर उनके पास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? आखिर वो कौन सी विद्या है जिसके चलते बाबा फरियादियों की पीड़ा पर्चे पर लिख लेते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस पूरे खास शो में, क्योंकि हमने बाबा के चमत्कारों को चैलेंज किया और बाबा के चमत्कारों को हुआ हमारे कैमरे के सामने रियलिटी। दोस्तों मीडिया वाले ने बोल रहा है हम लोग बाबा के चमत्कारों को चैलेंज, तो चलो वीडियो में ये लोग बताएगा, आप लोग भी देखना वीडियो को, तो सुनते हैं मीडिया वाले के बाद क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना। कौन सा काम है जो बागेश्वर वाला जी को कठिन हो? सनातन के सबसे बड़े पैरोकार, साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाए, अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार लिख करके रख दिए हैं चार पर्चे कैमरे के सामने बाबा की ललका। आपको हमारे पास नहीं आना है, आपको तो लोगों में जाना है और लोगों में जो आपके परिचित ना हो उनमें से किसी को भी आपको भेजना है हमारे पास, और जिनका भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। कितना भरोसेमंद बाबा का चमत्कार। 27 साल के बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कारों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। उनके चमत्कारों पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके समर्थक एकजुटता से बाबा का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सीताराम, 3 साल का बाबा बागेश्वर धाम के दरबार का क्या है सच, इसकी पड़ताल करने और पूरी सच्चाई दुनिया भर के सामने बयां करने के लिए न्यूज नेशन ने सबसे बड़ी पहल की और बाबा के लाइव दिव्य दरबार में बाबा का रियलिटी चेक कर लिया। न्यूज नेशन के इस रियलिटी चेक वाले प्लान को जैसे बाबा ने पहले से ही भाप लिया, इसीलिए तो हमारे संवाददाता मानवेंद्र से बाबा ने पूछताछ शुरू कर दी। आपके बगल में ये कोट वाले बैठे हैं, इनको खड़ा करो, चश्मा लगाए आपके पीछे वाले, जी श्रीमान जी खड़े होइए आप, हम आपको बुलाएंगे नहीं, आप बहुत चतुर बहुत बुद्धिमान आदमी हो और अपने आप को बहुत तार्किक भी मानते हो और बहुत ऑब्जर्व बुद्धि से यहाँ पर बैठे थे दिमाग लगा करके, तो हम चाहेंगे कि पर्चा हमने लिख कर रख दिए हैं, तुम जिनको भेजते जाओगे उनका पर्चा निकलता जाएगा, आप जिनको भेजेंगे उनके पर्चा हमने ये लिख करके रख दिए हैं चार पर्चे, आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा और आप भेजोगे उन्हीं को जिन्हें हमारे सन्यासी बाबा ने जिनका पर्चा बना दिया। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार करते हुए हमारे संवाददाता मानवेंद्र से भीड़ के बीच जाकर चार लोगों को चुनकर लाने को कहा। आपको हमारे पास नहीं आना है, आपको तो लोगों में जाना है, लोगों में जो आपके परिचित ना हो उनमें से किसी को भी आपको भेजना है हमारे पास, और जिनका भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। जाके बुलाना है महाराज, जाके बुलाना है, किसी का नाम लेके भी बुला? नहीं, नाम लेके बुला नहीं, ऐसे जाओ नाम है तुम अपने बुला लिया, लोग लेकर आ जाइए का नाम न्यूज नेशन वाले। हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बाबा के दरबार से चार लोगों को चुना। ये पहले फरियादी आए हैं बिहार के खगड़िया से। ऊपर आ जाओ, ऊपर बड़े लेके आओ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माइक ले लो। कहां से आए हो? बिहार खगड़िया जिले से आया। नजदीक का जाओ, बहुत नजदीक का जाओ, पूछो क्या पूछ पे आए, पप्पा जी से क्या प्रार्थना कर पे आए मालिक से। क्या हो गया है? अच्छा अच्छा, कहाँ है पत्रकार, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा चाहिए? एक नंबर, एक नंबर आपको दिख रहा है? आओ दादाजी नजदीक, कहीं खड़े 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 घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूरा आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चलचल पड़ा था, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद आए। ये मंत्र है इसकी तीन माला,
धान की बेची करनी है। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये मंत्र है बड़ा है लेकिन तीन माला इसकी करनी है, हम झाड़ा लगा लेंगे भभूति वहां से ले। ये तो साक्षात चमत्कार था। बाबा ने पर्चा वो उठाया जिसे उठाने के लिए हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था, लेकिन उस पर्चे पर पहले से ही वो बीमारी और वो समस्या लिखी थी जिसे लेकर फरियादी आया था। चमत्कार के रियलिटी टेस्ट के पहले पर्चे में तो बाबा 100% नंबर से पास हो गए, और अब बारी थी दूसरे फरियादी की। ये एक महिला फरियादी थी, थक हार कर बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंची थी। अगला नंबर आ जाइए, जल्दी भेजते जाना, आ जाओ माँ यहाँ बैठ जाओ, उस तरफ मुंह कर लो, लोगों की तरफ माइक ले लो हाथ में, माँ बाहर जाइए, हमारी नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पड़ बोलो कहाँ से आई हो माँ। पहली बार इनका माइक चालू कीजिए, पहली बार आए धाम पर लेके गई हूँ, धाम पर गए। बाबा बागेश्वर ने रिपोर्टर से पूछा कि बताइए कि हमने जो चार पर्चे बनाए थे उनमें से किस नंबर का पर्चा इनका निकला। श्रीमान जी इनको कौन से नंबर का पर्चा खोलना है, तीन नंबर फाइनल, आओ नजदीक पढ़ती हो आप, पढ़ो क्या लिखा है, आपके घर में प्रेत का उत्पात है, आपके शरीर पे दिक्कत करता, आप देवी भगत हैं, देवी माता की भगत हैं, उनकी चौकी भी ली है, पेट में पीड़ा है, पुत्र कामना पूर्ण होगी। इस चमत्कार के आगे तो फरियाद करने वाली महिला तो अभिभूत हो गई, बाबा की स्तुति करने लगी, सीता राम का नाम जपने लगी, उधर भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत दिनों से परेशान थी मैं पुत्र के लिए, दर दर की ठोकर खाई है मैंने, मुझे समझे इतने पड़ोसियों ने ताने दिए, ताने सुन सुन कर मैं परेशान थी, बस रात दिन यही रोती थी, जब से धाम कर गई कि बस गुरु जी मुझे एक बार बुला ले। माँ हमने नहीं बुलाया लेकिन बालाजी के कान बुला ली, एक मंत्र हमने लिखा, देवी की जो चौकी है उसमें आपको श्रृंगार देना है, लहसुन प्याज बंद रखना है, हम आपको विधान धाम पर दे देंगे, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है और डॉक्टरी सलाह भी साथ में लेनी है क्योंकि गर्भाशय में अंडे न बनने की दिक्कत आ गई है, जो डॉक्टरी जांच हमारे पास आई है तो ये आपको भी पता है। पता है अंडे नहीं बनते हैं, पता है ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए, बालाजी कृपा करेंगे आशीर्वाद। सीताराम 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 सीताराम। न्यूज नेशन के रिपोर्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जिन चार फरियादियों को चुना था उनमें से दो के मामले में तो बाबा ने चमत्कारिक तरीके से सब कुछ सच सच बयां कर दिया। ताज्जुब की बात ये थी कि बाबा ने वही पर्चा निकाला जिसे निकालने के लिए हमारे संवाददाता ने कहा था, फिर भी पर्चे पर वही समस्या लिखी थी जिसे लेकर फरियादी बाबा के पास पहुँचे थे। ये चमत्कार है या फिर बाबा पर कोई दैवी कृपा। प्रयागराज में मानवेंद्र सिंह। दोस्तों आप लोग तो पूरा वीडियो एक्सप्लोर करके दिया, हम लोग तो देखा ही होगा, तो वीडियो में तो जो लग रहा है सच ही लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना ये सच है या झूठ है, ठीक है, आप लोग जोल कमेंट करना, और आप लोग जो जो बागेश्वर धाम की भक्त हो आप लोग चैनल को जोल सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, तो नहीं लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मैं मान जाऊँगी तो आप लोग बागेश्वर धाम की जाने वाले नहीं हो, ठीक है, और थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग जज मत करना क्योंकि हम लोग का वीडियो सब लोग नहीं देखते हैं ना, इसलिए हम लोग ऐसा थंबनेल यूज़ करता है तब हम लोग का वीडियो लोग क्लिक करके देखता है, तो थंबनेल और टाइटल देख के जज मत करना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।